नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश में किस तरह से लगातार साजिशें रची जा रही हैं उसके सबूत लगातार सामने आते रहते हैं और कुछ लोग कैसे कट्टरता का जहर भर रहे हैं वो भी आए दिन देखने को मिलता रहता है। हमारे देश में तालिबानी सोच वाले जहरीले नाग भी हैं जो कट्टरता को सबसे आगे रखते हैं। इन लोगों में अनपढ़ी नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों की जमात भी शामिल है। यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले ही नेताओं ने अपनी अपनी असल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इसी बीच AIMIM पार्टी के यूपी अलीगढ़ जिलाध्यक्ष और ओवैसी के करीबी गुफरान नूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो जनसंख्या नियंत्रण की बात करने वालों का विरोध करते हुए ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को बच्चे पैदा करने की वकालत करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में गुफरान नूर को यह भी कह रहे हैं कि अगर हम ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो हम लोग कैसे राज करेंगे। एक बार आप भी देखिए उस वीडियो को। हमारे जो सरकार है ओवैसी साहब, वो डराते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह से डरो। और जब इनकी स्पीच शुरू होती है सपा बसपा कांग्रेस वालों की, ये डराते भाजपा से, इंसानों से। पहले तो यही फर्क कर लीजिए। अच्छा, हम लोग मुसलमान कौम है ना, बहुत ईमान से भी नीचे चली गई है हर तरीके से। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, अगर लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा बच्चा, दो बच्चे अच्छे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। हैं, वोट नहीं होगा। दलितों को डराया जा रहा कि बच्चे बंद करो, मुसलमानों को डराया जा रहा बच्चे बंद करो। क्यों करें बच्चे बंद? भाई ये हमारी शरीयत के खिलाफ है। बच्चे तो अब क्या है, देवर जो रिश्ता हमारा, जो पर्दा करना चाहिए हमारी महिलाओं को, हमारी औरतों को। तो सुना आपने किस तरह से गुफरान नूर कह रहा है कि हमारे मुखिया ओवैसी साहब सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। जब सपा बसपा कांग्रेस वालों की स्पीच शुरू होती है तब ये बीजेपी से डराते हैं। जब तक बच्चे नहीं होंगे तब तक कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच कितनी घटिया और कट्टरपंथी बन चुकी है। जब देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए लगातार कानून बनाने की मांग की जा रही है तो कट्टरपंथी गुफरान नूर अपनी कौम के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उकसा रहा है। और ये सच है कि गुफरान जैसे लोगों की सोच की वजह से ही आज मुसलमानों की ऐसी हालत बनी हुई है कि वो विकास नहीं कर पाते, क्योंकि जब ज्यादा बच्चों की वजह से उनको पढ़ाई और पालन पोषण के लिए संसाधन नहीं मिलेंगे तो फिर मुसलमानों का विकास कैसे हो पाएगा। दरअसल भड़काऊ नेताजी का वीडियो एक दिन पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे स्थान और लोगों की एक तस्वीर खुद गुफरान नूर ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि AIMIM अलीगढ़ टीम ने ग्राम अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष जाकर नियुक्त किए। बता दें कि AIMIM से पहले गुफरान नूर की नजदीकी आम आदमी पार्टी के नेताओं से रही है। पहले वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, उनके आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें भी हैं। अब सवाल यह है कि सरकार कब गुफरान नूर जैसे लोगों को जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर तगड़ा जवाब देगी, जो मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उकसा रहे हैं, उनका मुंह कब बंद होगा। और क्या बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र भारत को मुस्लिम देश बनाने की साजिश रची जा रही है, और क्या इस साजिश में AIMIM का बड़ा हाथ है। देखते रहिए केबल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।